गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि यदि आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पर, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो एक्सेलेंस बैच है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2024 के लिए, उस पर मैं आप लोगों को अभी 30% का डिस्काउंट दे रहा हूं एक्सेलेंस बैच में। इस कोर्स में आपको मिल रहा है वीडियो लेक्चर जिसको जब चाहे जितनी बार चाहे आप देख सकते हैं, लाइव लेक्चर जिसमें हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पीडीएफ नोट्स प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड पर्सनल मेंटरशिप, ये सब के सब एक पैकेज में आ रहा है जो कि आपके जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सफिशियंट है। तो फिर यदि आप भी ये चाहते हैं कि आपका जीआरएफ इसी दिसंबर में क्वालिफाई हो तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें, कोर्सेज में जाएं और वहां से आप एक्सेलेंस बैच सेलेक्ट करें और वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं सबसे पहले कि एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में यदि आप देखें बच्चों तो इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन जो कि जनरल एप्टीट्यूड है एंड टीचिंग एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एबिलिटी। ये हर इंडिविजुअल को, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स में दे रहे हैं, सोशियोलॉजी में दे रहे हैं, हिस्ट्री में दे रहे हैं, किसी में दे रहे हैं, ये वाला पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों, ये वाला पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पेपर वन आपको किसी भी हालत में हर इंडिविजुअल को ये पेपर पढ़ना है। कौन सा बच्चों? पेपर वन, है ना बच्चों, ये जनरल पेपर है पेपर वन। इसमें 10 यूनिट होते हैं बच्चों, इस पेपर में 10 यूनिट होते हैं। जो जब सिलेबस की बात करें तो इसमें 10 यूनिट हैं और इससे 50 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आप ऑन एवरेज आप कह सकते हैं हर यूनिट से 5 क्वेश्चन। तो यहां पे 50 एमसीक्यूज होते हैं बच्चों, 50 एमसीक्यूज इनटू 2, इनटू 2 क्या है, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स, यानी ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है बच्चों। कितने मार्क्स का पेपर है बच्चों? ये 100 मार्क्स का पेपर है। एक चीज मैं और आपको यहां बताना चाहूंगा इसी पेपर के संदर्भ में कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे नो नेगेटिव मार्किंग है ना बच्चों, नो नेगेटिव मार्किंग, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन यहां पे छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन तुक्के से लग जाए, मान लीजिए कि लास्ट के आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फटाफट उसको भर दीजिए, मार्क्स तो आपको कटने नहीं है, और यदि तुक्का से एक दो क्वेश्चन लग भी गया तो आपके मार्क्स बढ़ गए। तो यहां पर ध्यान रखना है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों यहां पर। यह पेपर जनरल पेपर होता है, हर को पढ़ना है, हर, चाहे आप इकोनॉमिक्स से दे रहे हैं या फिर सोशियोलॉजी से या फिर हिस्ट्री से, किसी भी पेपर से दे रहे हैं, ये वाला पेपर आपको पढ़ना है पेपर वन, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल 100 मार्क्स का। ऑन एवरेज इसमें देखा जाए तो बच्चे यहां पे 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और सही भी होता है। लेकिन यदि आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो 40+ क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। आई रिपीट अगेन, 40+ क्वेश्चन पेपर वन से आपको सही करना पड़ेगा यदि आपको जीआरएफ चाहिए तो। नेट चाहिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जीआरएफ चाहिए तो फिर आपको कितना, 40+ क्वेश्चन सही चाहिए। और यदि आपको नेट चाहिए तो
तो 25 से 35 के बीच में ठीक है, आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। यदि 25 से लेकर के, और डिपेंड करते हैं आप सेकंड पेपर में कितना करते हैं, यदि 25 से 35 क्वेश्चन के बीच में आपका एवरेज आ रहा है तो इट्स फाइन, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट में मिला लीजिए, करिए जब आप टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारा जब टेस्ट दे रहे हैं तो एवरेज मार्क्स आप कितने आ रहे हैं पेपर वन में, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, पेपर टू की यदि हम बात करें बच्चों, पेपर टू में भी पेपर टू में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और उसमें मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाता हूँ। तो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के सिलेबस की जहाँ तक बात करी जाए बच्चों, तो यहाँ पे आपको यहाँ भी 10 यूनिट पढ़ने हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे भी 10 यूनिट पढ़ने हैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, तीसरा बच्चों स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, चौथा मैथमेटिक्स है बच्चों, फोर्थ वन इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यहां ध्यान रखना बच्चों आप लोगों को कि आपको मैथमेटिक्स या फिर इसको आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, तो इसको ना आपको इसके साथ पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ना है। हालांकि इसकी जरूरत मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी है, लेकिन आपको बेसिक से जब स्टार्ट करेंगे तो मैथमेटिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक साथ पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ रहा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग। अब यहां पे भी मैं आपको रोकूंगा बच्चों, मनी एंड बैंकिंग यहां पे एक साथ आपको क्या पढ़ना है बच्चों, मनी एंड बैंकिंग को आप मैक्रो के साथ मिला करके पढ़िए, मनी एंड बैंकिंग को आप मैक्रो के साथ मिला करके पढ़िए, तभी जा करके आप इसको मतलब अच्छा एक प्रिपरेशन दे पाएंगे, एक अच्छा लेवल पे पहुंच पाएंगे। ठीक है ना, और आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे। तो मनी एंड बैंकिंग एंड मैक्रो को एक साथ पढ़ना है। इसके बाद आपके पास आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों, इसके बाद आपके पास आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन हर टॉपिक पे, माइक्रो मैक्रो इकोट्रिक्स मैथ स्टैट्स मनी एंड बैंकिंग पब्लिक फाइनेंस, हर टॉपिक पे मेरा डिटेल वीडियो है यूट्यूब पे, आप लोग वहां भी जाकर देख सकते हैं कि हर इंडिविजुअल को माइक्रो को कैसे तैयार करें, मैक्रो की तैयारी कैसे करें, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे, सबका डिटेल वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं वहां पर। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक है बच्चों एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स बच्चों। ठीक है, एंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं, वो है आपका इंडियन इकोनॉमी, है ना बच्चों, ये है इंडियन इकोनॉमी। एंड यहां पे मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये मैंने मतलब पेपर टू में आपके 100 एमसीक्यूज होते हैं, 100 एमसीक्यूज हो रहे हैं बच्चों, पेपर टू में 100 एमसीक्यूज हैं। कितने बच्चों, पेपर टू में, इसको नीचे ले आते हैं, पेपर टू में 100 एमसीक्यूज, पेपर टू में 100 एमसीक्यूज हैं बच्चों, है ना, इनटू टू, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स,
यहां पर भी, मतलब पेपर वन में भी दो मार्क्स है, पेपर टू में भी दो मार्क्स है। ये है पेपर टू आपका, बताना बच्चों, ये पेपर टू है ना, पेपर टू इज इक्वल्स टू 200 मार्क्स। अब देखिए बच्चों, यदि आप इसमें पेपर वन एंड पेपर टू मिला करके, पेपर वन एंड पेपर टू मिला करके यदि आपका मार्क्स 70% के आसपास, 70, 72, 73 के आसपास पहुंच रहा है, तो फिर आपको GRF मिल जाएगा। यदि 70, 75 के बीच में आ रहा है तो आपको GRF मिल जाएगा, लेकिन यदि 65 के आसपास आ रहा है तो फिर आपको नेट पे ही संतोष करना पड़ेगा। तो आप इसकी तैयारी इस तरीके से करें कि आप 75 मतलब 80 प्लस टारगेट करें, सो दैट कि आपके 75 पे आकर के आपका GRF मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो टोटल जो मार्क्स हुआ कितना बच्चों, पेपर वन प्लस पेपर टू कितना हो गया बच्चों, 300 मार्क्स का हो गया। ये 300 मार्क्स में आपको 70 से 75% ले आएंगे तो आपका GRF क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, अब क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए आप, पहली बात तो आपका जो ऑप्शन है वो है टीचिंग में। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास टीचिंग, और टीचिंग में भी तीन तरह के हैं बच्चों, टीचिंग में भी दो तरह के हैं यहाँ पे। एक तो है आप गवर्नमेंट में, है ना बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, है ना बच्चों, यूनिवर्सिटीज, यहां पे आपको जॉब मिल सकती है। मतलब आप यदि GRF नेट GRF क्वालिफाई हो गए तो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। हाँ, अब लेकिन मैं आपको एक सलाह यहां पे जरूर दूंगा कि यदि आप MA में पढ़ाई कर रहे ना, उसी टाइम आप अपना पेपर पब्लिश करने का भी जुगाड़ करिए, कुछ ना कुछ लिखते रहिए, करंट इश्यू पे लिखिए, ये रिसर्च लिखिए, कुछ ना कुछ लिखते रहिए। उससे क्या होगा कि आपके 5 पेपर पब्लिश हो गए, आपका API स्कोर और आगे बढ़ जाएगा। तो API स्कोर पे एक तो API स्कोर होगा प्लस इंटरव्यू आपका अच्छा होगा तो हो जाएगा। अब यहां पर भी अलग अलग स्टेट में भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो डायरेक्ट इंटरव्यू है, आपने फॉर्म भरा और फिर वहां पर कोई एग्जाम नहीं है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपका API स्कोर प्लस इंटरव्यू पे मिला करके आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि उस सैलरी काफी मोर देन सफिशिएंट आपके लिए होता है। ठीक है ना, तो यहां पे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में जैसे अपना यूपी है, यूपी में आप नेट GRF क्वालिफाई करने के बावजूद भी आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, तब जाकर के एग्जाम में आप पास होते हैं, रिजल्ट आता है, फिर इंटरव्यू होता है। हमारे बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है, जैसे सेंट्रल करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी करता है, वैसे ही बिहार में हमारा है। बिहार में ऐसा कुछ नहीं है कि पहले फिर से दोबारा एग्जाम दिया जाए, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। इसके बाद आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं। यहां पर भी आपके पास, मुझे लगता है यहां पे कि यहां पे आपको किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं पास करना है, आप यदि GRF क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है, तो आप एलिजिबल है, आप डायरेक्ट फॉर्म भरिए, वो आपको बुलाया जाएगा, नेगोशिएशन होगा, ध्यान रखिएगा, स्केल दे सकते हैं वो लोग, स्केल से ऊपर भी दे सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई लिमिट नहीं है। तो यदि आप बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़िया रिसर्च उनके यूनिवर्सिटीज को आगे लेके जा रहे हैं, तो फिर कोई लिमिट नहीं है। आप अशोका में देख लीजिए, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा फैसिलिटीज वहाँ पर है अशोका में, जिंदल में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट से। तो आप
गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, अलग अलग प्रोसीजर हो सकता है अपॉइंटमेंट का, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप रिसर्च में भी जा सकते हैं बच्चों। इसके बाद यदि आप JRF क्वालिफाई करते हैं बच्चों, और इसमें यदि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यदि आपके आप सिर्फ नेट है, सिर्फ नेट क्वालिफाई किया आपने, तो फिर आप यहाँ पे PhD में एडमिशन ले सकते हैं बच्चों। हालांकि अब रिसर्च, अब जो रिजल्ट आने लगे हैं, तीन कैटेगरी में आने लगे हैं बच्चों। एक कैटेगरी में तो सिर्फ JRF है, मतलब JRF है तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट और PhD दोनों इंक्लूड है, तीनों इंक्लूड है। दूसरे कैटेगरी में नेट एंड PhD आ गया है, तो इसमें नेट और PhD आ गया। और तीसरे में सिर्फ PhD में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे आप रिसर्च में जा सकते हैं बच्चों, यानी PhD कर सकते हैं किसी यूनिवर्सिटीज में। रिसर्च आप किसी कंपनी के लिए भी कर सकते हैं बच्चों, रिसर्च आप किसी कंपनी के लिए भी कर सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कर सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप रिसर्च कर सकते हैं। आपको रिसर्च एसोसिएट वहां पे अपॉइंटमेंट मिल सकता है, बहुत पैसा है, ठीक है बच्चों। वहां पे रिसर्च में भी जा सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज से भी आप PhD कर सकते हैं बच्चों, यहां से भी आप PhD कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद आप प्राइवेट कंपनीज में भी रिसर्च के पोस्ट पे जा सकते हैं। आपको मैंने एक वीडियो बनाया था गेट के लिए, उसमें हमने बताया है डिटेल में कि कौन कौन सी कंपनीज आपको रिसर्च के लिए रखती है, मार्केट रिसर्च के लिए रखती है, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए रखती है, तो आप वहाँ भी आप जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। इनके अलावा भी बच्चों आपके पास फाइनेंस फील्ड में पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे कि सेल, वेल, गेल, ये सब कंपनीज हैं, ये सब भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी आपको एज ए रिसर्च, एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी रखा जा सकता है, जिसकी इनोमरेशन बहुत बढ़िया है, पैसा आपको बहुत मिलता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।